हाँ तो भैया जी, और सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुपारी कैसे बनता है। जो लोग पान खाते हैं या पूजा पाठ के लिए पान को प्रयोग में लाते हैं, वो लोग सुपारी के बारे में भी अच्छे से जानते होंगे। पान के साथ साथ सुपारी का इस्तेमाल गुटखा, पूजा पाठ और दवाइयों के रूप में भी लिया जाता है। लेकिन जो सुपारी आपने अपने घरों में या दुकानों में देखी है, एक्चुअल में क्या पेड़ पर भी वैसी ही सुपारी होती है? जी नहीं, यहाँ कहानी कुछ अलग होती है। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आखिर हमें भी अपना वॉच टाइम गोल कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ उस सब्सक्राइब वाले बटन के साथ थोड़ा रोमांस हो जाए। तो इसकी शुरुआत करते हैं फार्मिंग से। नारियल और ताड़ के पेड़ की तरह सुपारी के पेड़ भी कद में काफी ऊंचे और लंबे होते हैं, जो कि भारत में कुछ गिनी चुनी जगह जैसे कि असम, मेघालय, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे तटीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इनके फलों की, तो वो पेड़ के ऊपर सिरे में कुछ इस तरह से गुच्छे में लगते हैं, और इनकी शक्ल कच्चे खजूर से मेल खाती है। सुपारी को मई और जून के महीने में ऐसे पेड़ों पर चढ़कर तोड़ा जाता है, और ये काम हर किसी के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी ऊंचाई इतनी होती है कि जरा सी चूक या फिर पैर फिसला तो इंसान सुपारी तोड़ना तो दूर, चबाने के लायक भी नहीं बचता। इसलिए ये काम सिर्फ एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स द्वारा किया जाता है। तो पेड़ से सुपारी के गुच्छों को तोड़ने के बाद अब वर्कर्स द्वारा उन गुच्छों से सुपारी को ऐसे पीट पीट कर अलग किया जाता है। इसके बाद झड़ चुके फलों की डीहस्किंग की जाती है। इस प्रोसेस में फलों को छीलकर फलों के अंदर से कच्चे सुपारी को निकाला जाता है। लेकिन अभी इन फलों से निकाले गए सुपारियों का स्वाद कड़वा होता है, इसीलिए कड़वेपन को हटाने के लिए एक भट्टी में सुपारियों को गत्थे के पानी में उबाला जाता है। ऐसा करने से सुपारी का स्वाद कड़वे से मीठा हो जाता है, और गत्थे में उबाले जाने के कारण सुपारी का रंग गहरा लाल हो जाता है। अब इसे लगभग 10 से 12 दिनों तक कड़ी धूप में इस तरह सुखाया जाता है, और समय समय पर पलटा भी जाता है ताकि सारी सुपारी अच्छे से सूखकर तैयार हो सके। अब तैयार सुपारी को गुटखा फैक्ट्री और दुकानों में भेज दिया जाता है। आपकी स्क्रीन पर आ रही ये वीडियोज काफी अच्छी हैं, तो इन्हें दबाकर एक बार जरूर देखें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।